हाय फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पुणे इशूड बर्थ सर्टिफिकेट पे अपोस्टाइल किस तरह से किया जाता है। देखो, आगे मेरे पास पुणे इशूड एक बर्थ सर्टिफिकेट है, इसके बैक पे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपोस्टाइल किया जाता है आज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, यहाँ लिखा है पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। इस तरह का ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है और ऑफिसर का इस तरह से म्यूनसिपलिटी का स्टैम्प होना ज़रूरी है, तभी इस पे अपोस्टाइल होता है। आजकल काफ़ी सर्टिफिकेट डिजिटल आते हैं जिस पे लिखा होता है कि स्टैम्प एंड साइन नॉट रिक्वायर्ड, उस पे भी अपोस्टाइल हो जाता है। अगर इस तरह का ओल्ड होगा स्टैम्प वाला तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए होता है अपोस्टाइल करने के लिए। इसका कुछ भी कलर कॉपी या जेरोक्स कॉपी पे अपोस्टाइल नहीं होता है। काफ़ी लोग ये बर्थ सर्टिफिकेट सेफ रहने के लिए इसको लेमिनेशन करके रखते हैं, तो हम लोग लेमिनेशन बैक साइड से जितना हम लोग को अपोस्टाइल के लिए ज़रूरत होता है उतना जगह का लेमिनेशन रिमूव करके उस पर हम लोग अपोस्टाइल का प्रोसेस करते हैं। अगर आपको ये अपोस्टाइल करना हो तो इस तरह का ओरिजिनल आपको बर्थ सर्टिफिकेट और बच्चे का पासपोर्ट का फ्रंट बैक कॉपी देना ज़रूरी होता है। और कभी भी बर्थ सर्टिफिकेट इस तरह का, देखो इसमें इंग्लिश और मराठी दोनों में लिखा हुआ है, तो ये बर्थ सर्टिफिकेट कभी भी इंग्लिश में होना ज़रूरी है। अगर ये मराठी में होगा तो इस पर अपोस्टाइल नहीं होगा, तो इसका जो सेकेंड ऑप्शन है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट लीगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करके ट्रांसलेटेड कॉपी पे अपोस्टाइल करके आप यहीं भी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको न्यू इंग्लिश कॉपी बीएमसी से, जो गवर्नमेंट और बीएमसी ऑफिस है उससे आपको इशू कराना पड़ेगा, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से आपको इशू कराना पड़ेगा, वो आपको ऑन द स्पॉट फटाफट इशू करके मिलता है। तो इस तरह का आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट और पासपोर्ट कॉपी आपको मुझको देना पड़ेगा अपोस्टाइल करने। तो अभी इसके बैक साइड पे किस तरह से अपोस्टाइल होता है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। कभी भी अपोस्टाइल, जैसे मैंने आपको बताया, ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बैक साइड पे होता है, फ्रंट पे नहीं होता। तो हमेशा अपोस्टाइल और अटेस्टेशन करने का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कोई भी इंडिया का, जितने भी वर्ल्ड के कंट्रीज हैं उनका सबका अटेस्टेशन करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है नोटरी। तो सबसे पहले इस तरह का नोटरी किया जाता है। देखो, ये नोटरी का स्टैम्प है, एडवोकेट का इस पर ऐसा स्टैम्प लगते है, साइन होता है ये रेड वाला, और ये सब ये तीनों नोटरी के स्टैम्प है। ये नोटरी होने के बाद में उसको अपने महाराष्ट्र का मंत्रालय होम डिपार्टमेंट में सबमिट किया जाता है। और ये होम डिपार्टमेंट महाराष्ट्र का जो होम डिपार्टमेंट है उसका ये इस तरह का स्टैम्प और साइन आपको लेना पड़ता है, ये क्योंकि ये महाराष्ट्र का डॉक्यूमेंट है तो इस पर महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट होना ज़रूरी है। अगर महाराष्ट्र का बाहर का होगा तो उस पर SDM होके फिर अपोस्टाइल होता है, जो मैंने दूसरा वीडियो में आपको बताया है। महाराष्ट्र का बाहर का कोई भी डॉक्यूमेंट होगा तो उसका किस तरह से अपोस्टाइल करते हैं। तो देखो, यहाँ लिखा हुआ है होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मंत्रालय मुंबई, तो इस तरह से होम डिपार्टमेंट का स्टैम्प लगता है। काफ़ी लोग इसको मंत्रालय बोलते हैं, GAD बोलते हैं, होम डिपार्टमेंट बोलते हैं। इस तरह से फिर स्टैम्प लगने के बाद में ऑफिसर का साइन होता है और ये स्टैम्प लगता है। देखो, लिखा हुआ होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ये स्टैम्प होने के बाद में इसको हम लोग दिल्ली भेजते हैं अपोस्टाइल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर न्यू दिल्ली पटियाला हाउस वो अपोस्टाइल का स्टिकर इशू करता है। अपोस्टाइल MEA इशू करता है। देखो, यहाँ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपोस्टाइल। और ये क्या डॉक्यूमेंट, दिस पब्लिक डॉक्यूमेंट, तो ये बर्थ सर्टिफिकेट था तो इसलिए बर्थ सर्टिफिकेट है। और इसमें सब डिटेल लिखा होता है, किसने साइन किया, रजिस्टर ने आगे स्टैम्प मार के साइन किया वो लिखा हुआ है। फिर इसमें ये कहाँ से इशू है, न्यू दिल्ली से इशू हुआ है, कितने क्या डेट पे इशू हुआ है, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इसको इशू किया वहाँ लिखा हुआ। और इसका एक यूनिक नंबर होता है जो वेरीफाई होता है क्या ओरिजिनल है या फेक है। और इस पर सील और स्टैम्प लगता है। देखो, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का स्टैम्प है। देखो, यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर न्यू दिल्ली, ये ऑफिसर का स्टैम्प है। और ये देखो, यहाँ भी लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, इस तरह से स्टैम्प होता है। और ऑफिसर का देखो, इधर सिग्नेचर लिखा है, इधर ऑफिसर का साइन होता है। और ये डॉक्यूमेंट जिसका बर्थ सर्टिफिकेट उसका आगे जो नाम होता है वो यहाँ नाम आता है। देखो, यहाँ इशूड टू
उसका नाम होता है जो मैंने यहाँ ब्लर किया हुआ आइडेंटिटी छुपाने के बाद में, तो इस तरह से उसका नाम इधर आके आता है, तो जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये बर्थ सर्टिफिकेट किसको इशू किया। तो आपको अगर अपोस्टाइल करना हो तो आपको इस तरह का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, अगर डिजिटल हो तो डिजिटल सर्टिफिकेट का कलर कॉपी व्हाट्सएप या पीडीएफ पीडीएफ आप कर सकते हैं, तो मैं प्रिंट करके अपोस्टाइल उसका स्टार्ट कर सकता हूँ। तो आपको इस तरह का सर्टिफिकेट पासपोर्ट का फॉर्म वर्क कॉपी आपको देना पड़ता है, और ये अपोस्टाइल करने के लिए कम से कम 5 से 6 दिन लगते हैं। अगर ये अपोस्टाइल करना हो तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी वजह से आपको, हम लोग ट्रैवल रिलेटेड बिजनेस में है, ट्रैवल इंडस्ट्री से है, तो आपको वीज़ा रिलेटेड, अटेस्टेशन, अपोस्टाइल रिलेटेड टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू।